हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज अ बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब बेस्ट द इमेज इमेज फॉर्मड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड फोर ऑप्शंस आर गिवन सो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक एक कॉन्वेक्स लेंस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है अब हमें बताना है और उसकी हाइट ऑब्जेक्ट दे रखी है और उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है हमें बताना है यहाँ पर कि जो हमारा चार ऑप्शन है इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है तो मोस्टली ये सब बात करी गई है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट आवर की हेयर तो जो हमारा की कंसेप्ट है यहाँ पर वो है हमारा मैग्निफिकेशन वो है हमारा मैग्निफिकेशन ठीक है मैग्निफिकेशन एंड लेंस फार्मूला ये हम यूज़ करने वाले हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे सो लाइक यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें पता है आर ए फल टू आर बाई टू होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारी आएगी क्योंकि कॉन्वैक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव होती है यानी कि आएगी टेन सेंटीमीटर आर की वैल्यू ट्वेंटी थी दैट्स वाई तो यहाँ पर हमारा और ऑब्जेक्ट की हाइट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है हमको टू सेंटीमीटर पॉजिटिव होगी क्योंकि अबअ अब द प्रिंसिपल एक्सेस होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे रखा है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज़ नथिंग बट माइनस थर्टी सेंटीमीटर माइनस थर्टी सेंटीमीटर ये सब चीज़ें हमको दे रखी हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपना इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला तो लेंस फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज़ वन अपॉन एफ इट इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू तो हमारा एफ है टेन सेंटीमीटर यू है थर्टी सेंटीमीटर तो वन अपॉइंट टेन सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन माइनस थर्टी सेंटीमीटर क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा होता है इसलिए माइनस थर्टी तो उसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग इट इज इक्वल टू वन बाई वी वन बाय टेन और ये हो जाएगा हमारा माइनस वन बाय थर्टी एल सी एम लेंगे इट विल बिकम थर्टी थर्टी और ये बनेगा थ्री माइनस वन यानी कि टू बाई थर्टी टू बाई थर्टी इज़ नथिंग बट वन बाय फिफ्टीन यानी कि इमेज डिस्टेंस हमारी आ रही है फिफ्टीन सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी दी फिफ्टीन सेंटीमीटर ये हमारी इमेज डिस्टेंस आ गई है हमें इमेज डिस्टेंस मिल गई है अब हम लोग अपने मैग्नीफिकेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो मैग्नीफिकेशन जो है हमारा एम इज इक्वल टू होता है एम इज इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू वी अपॉन यू ठीक है तो हम लोगों को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है टू सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है वैल्यूज पुट करते हैं इमेज डिस्टेंस आई है फिफ्टीन सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है इमेज हाइट टू सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस फिफ्टीन सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है हमारी माइनस थर्टी सेंटीमीटर तो इसको हम कैंसिल करेंगे टू टाइम्स कैंसिल होगा ये वन टाइम जाएगा यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज कमिंग आउट टू बी दी माइनस वन सेंटीमीटर अब यहाँ पर इमेज की हाइट हमारी माइनस वन सेंटीमीटर आ रही है तो इसका मतलब हमारी इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी ठीक है माइनस वन का मतलब क्या होगा कि वो इमेज हमारी इन्वर्टेड है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी इमेज जो है रियल इन्वर्टेड है और उसकी हाइट है वन सेंटीमीटर सो आई होप यू करेक्ट